गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ मैथमेटिक्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो है उसके एक्सरसाइज नंबर 12.1 इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था और सेकंड क्वेश्चन का हाफ पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया था। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व नहीं हुआ था, उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है, इसके अंदर क्या कहा, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और आपने क्या बताना है, इनके टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में बताना है। पिछले जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, उसमें ट्री डायग्राम के थ्रू शो करना था, यहाँ पे सिंपल ही आपको टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में बता देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो -4x + 5 दिया गया है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है हमारा। अब हम बात करते हैं टर्म्स की और फिर फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे -4x ये क्या है, एक टर्म है -4x और दूसरी टर्म क्या है, 5 है। अब इनके फर्दर क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। सो -4 एक फैक्टर और x जो है वो दूसरा फैक्टर, 5 एज इट इज ही 5 रहेगा क्योंकि इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। बी जो है, बी के अंदर एक्सप्रेशन जो है बी की एक्सप्रेशन जो है -4x + 5y है। इसके टर्म्स के बारे में देखते हैं, -4x और 5y ये इसकी क्या हो जाएंगी, टर्म्स हो जाएंगी। अब इसके फर्दर फैक्टर्स, -4 और दूसरा फैक्टर क्या, x, और यहाँ पे 5 और दूसरा y। यहाँ पे भी इसी तरह से एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स। आप बार बार ना लिख के इसके लिए एक टेबल भी बना सकते हैं। ऊपर लिख दीजिए एक कॉलम में एक्सप्रेशन, दूसरे में टर्म और फिर तीसरे में फैक्टर, जैसे टेबल मैंने वहाँ पे बनाई है दूसरे अगले क्वेश्चन के लिए। तो आप उस तरह की भी जो है वो टेबल बना सकते हैं, उसमें आपको ये बार बार राइट डाउन करना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दिया गया है 1.2ab -2.4b + 3.6a, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्सप्रेशन। अब इसके हम क्या बनाएंगे, टर्म बनाएंगे 1.2ab -2.4b और 3.6a, दिस इज टर्म। अब इनके क्या बनाने हैं, हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम इसके फैक्टर बना देंगे 1.2a एंड b। इसके भी इसी तरह से -2.4 एंड b, इधर भी 3.6 एंड a, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब इधर ये जो क्वेश्चन है, इसके भी इसी तरह से ये इसकी क्या है, एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की जो टर्म होगी वो 3/4x और दूसरी टर्म होगी 1/4। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे 3/4 और एक इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, x। इसी तरह से 1/4 इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, हम फिर से इसके लिए लिख देंगे एक्सप्रेशन
टर्म एंड फैक्टर्स। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन है हमारी 0.1 पी स्क्वेयर प्लस 0.2 क्यू स्क्वेयर। टर्म होगी हमारी क्या, 0.1 पी स्क्वेयर और दूसरी टर्म होगी 0.2 क्यू स्क्वेयर। अब इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 0.1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा क्या, पी के जो है वो दो फैक्टर होंगे, पी और दूसरा पी। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास 0.2 क्यू एंड क्यू, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में लिखा है, अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को क्या करना है, चूज करना है। और वो किसके कोफिशिएंट को चूज करना है, जो अदर देन कॉन्स्टेंट हो, मतलब कॉन्स्टेंट वाले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को चूज नहीं करना है, सिंपल कोफिशिएंट्स को चूज करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे, एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हैं, अब इनके क्या बना लेते हैं, टर्म्स बना लेते हैं। सो 5 और -3t². अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 5 जो है ये क्या है, न्यूमेरिकल सॉरी कॉन्स्टेंट है ये 5 यहाँ पे। अब हमने इस टर्म में से क्या करना है, कोफिशिएंट को क्या करना है चूज, और वो भी कौन सा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल का मतलब ये ये जो है ये यहाँ पे -3 जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे -3। अब अगले में टर्म क्या है, टी 1 है, टी है, टी स्क्वेयर है और टी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हम यहाँ पे चूज नहीं करेंगे कोफिशेंट में। सो हम क्या लिखेंगे, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे टी है, तो टी कितना है यहाँ पे, 1 है। फिर टी स्क्वेयर, ये भी क्या है, 1 एंटिटी है। इसी तरह से टी क्यूब, ये भी क्या है, 1 एंटिटी। तो सबके लिए क्या क्या है, एक एक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ पे x प्लस, ये x एक टर्म हो गई, 2xy एक टर्म हो गई और फिर 3y। अब इसके लिए कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरल x के लिए 1 हो जाएगा, 2xy के लिए 2 और 3y के लिए 3 कोफिशिएंट। यहाँ अगले में 100m और दूसरी टर्म क्या हो गई, 1000n, ये हमारे पास क्या हो गई, दो टर्म आ गई। अब इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, 100 और दूसरा 1000, ये क्या आ गए, इसके कोफिशिएंट्स आ गए। अब क्या है, -p² q² और दूसरी टर्म है हमारी 7pq। सो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1 और दूसरी तरफ 7। इधर है 3.14r², ये टर्म है, कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा, 3.14। इधर है 2l + b, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2l + 2b। सो हमारी टर्म्स क्या आ गई, 2l और 2b। अब कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 और दूसरी के लिए भी 2। अगला है 0.1y + 0.01y² तो हमारी टर्म्स क्या आ गई, 0.1y
और दूसरी टर्म 0.01y² तो इसके लिए कोफिशियंट क्या आ जाएगा 0.01 ये हमारे क्या आ गए कोफिशियंट। सो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इसके फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करें। थैंक यू।